तो गाइस क्या ये सच है कि गौरव जोन ने अरुण शर्मा से 1 लाख रुपए लिए यूट्यूब चैनल बनाने के लिए? ठीक है, प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है कि मैं जो बोल रहा हूँ तूने मेरे से 1 लाख रुपए नहीं लिए। अगर ये चीज करने के मैंने इससे बात करी कि यूट्यूब चैनल बनाना है। एक्चुअली मुझे बाइक खरीदनी थी पहले, तो उस टाइम इसने बोला कि आप यूट्यूब चैनल बना लो जो भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और ये भी यूट्यूब में तब सक्सेस था, इसलिए मैंने चलो कोई नहीं यूट्यूब चैनल बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सक्सेस हाथ आ जाएगी। तो इस लालच में मैंने क्या करा, इसमें मैंने पूछा कि भाई कैसे क्या करना है, तो इसने बोला आप मुझे 2 लाख रुपए दो तो मैं आपका एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करवाता हूँ और उसको 50,000 सब्सक्राइबर तक करवा दूंगा मैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेंगी कि 50,000 सब्सक्राइबर में से 20,000 सब्सक्राइबर तक तो आपको मैं हर वीडियो में लिंक दूंगा, हर वीडियो में लिंक दूंगा और हर वीडियो का स्वाइप अप दूंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, लेकिन और एक इंस्टाग्राम अकाउंट दूंगा जो क्या कहते हैं जिसमें 1,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी वो सॉरी फॉलोवर्स ऑलरेडी होंगे। ठीक है, 1,000 फॉलोवर्स जिस जो आप जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो रख लेना। ठीक है, तो मैंने इससे बोला थोड़े से पैसे कम कर लो क्योंकि 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसने बोला नहीं मेरी फीस इतनी है, आपको पता है मेरी पॉपुलरिटी इतनी है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ठीक है, मेरा गाना शूट होने वाला है। उसने जब बात हुई कि भाई मेरे पैसे रिटर्न कर दो या ये है वो है, तो इसकी मम्मी भी कहने लगी नहीं हम पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, हम काम नहीं करना चाहते फलाना टीम का। तो जब काम नहीं करना चाहते मतलब जब तुमने पैसे लिए तो JNU में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, तो उसमें इसने बोला था कि भाई सब आ जाओ 3 बजे हम ये करेंगे चिल काटेंगे पार्टी करेंगे फलाना टीम का। भाई वो जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ था ना वो एक दिन पहले इस बंदे को पता चल गया था। ठीक है, मेरे पास इसका ना रात में मैसेज आ गया था कि कल वहां मत जाना, वहां पे ना क्या कहते हैं प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। लेकिन स्टोरी थोड़ी देर बाद डालने के बाद में थोड़ी देर बाद स्टोरी डाली तो उसमें देखा मैंने कि उसमें लिखा हुआ है कि है ना भाई सब आ जाओ वहाँ पार्टी करेंगे 3 बजे तक 4 बजे तक पहुंच जाना। तो मैं भी वहाँ पे पहुंच गया, मैंने मेरा फोन नहीं उठा रहा था ये काफी दिनों से, तो मैं भी वहाँ पहुंच गया। पहुंचने के बाद में पता चला कि वहाँ पे सच में प्रोग्राम कैंसिल है। ठीक है, लोग वहाँ भी इतना हेट कर रहे हैं कि भाई गौरव। ठीक है भाई, और दूसरा नंबर कॉल रिकॉर्ड देखो, मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना शाम तक एक वीडियो आ जाएगी कॉल रिकॉर्ड, उसमें बना के पूरा उसमें कॉल रिकॉर्ड दिखाऊंगा क्योंकि अभी जिस मोबाइल में शूट कर रहा हूं ना लाइव आ रखा हूं इसी मोबाइल में वो सारी चीज है। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं गलत हूं ना आप जी भर के गाली दे लेना, जी भर के सुनने के लिए तैयार हूं। आप बोलोगे उस जगह आ जाऊंगा, आप है ना मुंह पे कह देना। और अगर ये बात सच है ना तो भाई मैं इससे कह रहा हूं कि तू ये प्रूफ करके दिखा दे, प्रूफ करके दिखा दे कि ये बात है ना मैं जो तेरे पे क्लेम कर रहा हूं ना ये गलत है। कुछ लोग मार्केट में मेरा नाम खराब कर रहे हैं और कह रहे हैं गौरव जोन फ्रॉड है। अरे भाई कंटेंट देखो मेरा यार, क्या फ्रॉड है? और जो तुम दावा कर रहे हो वो फ्रॉड है, उनसे खुद जाके पूछो क्या कंटेंट है तुम्हारा भाई, कंटेंट पूछो। और इसमें एक मज़ेदार बात है, पता है क्या, मेरे को बंदे बोलते हैं कि भाई मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ आपको, लेकिन उस बंदे ने बोला कि आप फ्रॉड हो और मैं मान गया मैं आप फ्रॉड हो। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा दिल से रिस्पेक्ट करते थे? कह रहा हाँ भाई। मैंने कब से? 2 साल से। मैंने कहा यार उस बंदे ने कब से जानते हो? कह रहा भाई उसकी पहली वीडियो देखी थी जिसमें वो आपको एक्सपोज कर रहा था। तो मेरा पता है क्या आंसर था? मैंने थैंक यू भाई, तुम्हारे जैसे प्लास्टिक फॉलोअर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए लोहे जैसे कट्टर जो दिल से प्यार करें। ये नहीं कि 2 साल मेरे को फॉलो करा, 300 वीडियोस मेरी देखी, और अगले बंदे ने पहली वीडियो मेरे को एक्सपोज करके डाली और तू मान भी गया। कमाल है भाई, क्या रिस्पेक्ट करिए यार। इंडिया याद आ गया मेरे को। उसी टाइम मेरे को एक दूसरे बंदे का मैसेज आया, भाई आई रियली लव यू, दुनिया 100 बंदे भी तुम्हें गाली देंगे ना मैं आऊँगा छाती चौड़ी करके कि मेरे गौरव जोन सही है, उनकी उनकी मेहनत दिखती है मुझे। वो रात को 3-3, 4-4 बजे आते हैं शूटिंग करके, फिर एडिटिंग में लगवा जाते हैं, और फिर अपना कॉलेज संभालते हैं, और फिर अपना घर भी संभालते हैं, और वो सिर्फ 24 साल के। और मैं उन्हीं की रिस्पेक्ट करूंगा, ना कि उस बंदे की जो सिर्फ एक्सपोज बना दिया, मुंह से बोल दिया कि वह अंदर फ्रॉड है, उसकी नहीं करूंगा। जिसकी मेहनत दिख रही है मैं उसे ही करूंगा सपोर्ट। मैंने इस बंदे का स्क्रीनशॉट लिया और दूसरे फॉलोअर को भेजा जिसने मेरे को बोला कि भाई अब मैं तेरे को फॉलो नहीं करूंगा, मैं पहले करता था अब नहीं करूंगा। मैंने कहा देख भाई तू है प्लास्टिक और ये है मेरा लोहा। इन द एंड मैं यही बोलूँगा, आप मुझे फॉलो करो या किसी को भी फॉलो करो या जिसकी भी रिस्पेक्ट करो उसकी दिल से करो, चाहे 100 बंदे भी उसकी बुराई करें ना भाई उसके साथ रहना। अब फ्रेंड्स ये बात तो गलत है, अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो कोई उसके साथ क्यों होगा, कोई उसे सपोर्ट भला क्यों करेगा दिल से, वरना रिस्पेक्ट ही मत करो यार, ये तो सबसे बढ़िया बात है।
लेकिन कभी धोखा मत दो यार, किसी को बीच में मत छोड़ के जाओ। अब यहाँ गौरव जोन ये कह रहा है कि किसी को धोखा मत दो, किसी को बीच में छोड़ के मत जाओ, लेकिन गौरव जोन ने भी तो अरुण शर्मा के साथ यही किया। उसने उससे 1,00,000 रुपये लिए लेकिन उसका पूरा काम नहीं किया, उसको देखा जाए तो धोखा ही दिया है और बीच रास्ते पे मीन्स आधा काम करके ही उसको छोड़ के चला गया। कुछ बंदे मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे ही नहीं मेरी फैमिली को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को अब्यूज़ कर रहे हैं इतने गंदे तरीके से। वो मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं और वो चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए कंटेंट ना बनाऊं, और मुझे कंटेंट बनाने से रोका जा रहा है और मेरी समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। और कुछ बंदे उनका साथ भी दे रहे हैं, बट ये याद रखो अगर कल को कोई आपके मदर या फादर के बारे में ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा यार। नहीं, इतनी मेहनत करना, अपना पूरा टाइम आपको देना, उसके बाद गाली सुनना यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। और हाँ, आजकल ये यूट्यूब पे ट्रेंड चल गया है, मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है, फेक स्ट्राइक मार देते हैं लोग और उसके बदले पैसे का डिमांड करते हैं हटाने के लिए। लोगों को एक्सपोज करेंगे और खुद व्यूज लाके अब खुद सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में गौरव जोन ने मेन थिंग का रिप्लाई नहीं किया कि उसने अरुण शर्मा से 1,00,000 रुपये लिए या नहीं लिए, एंड उसका पूरा काम किया या नहीं किया, एंड जो भी है। एंड अगर आपको इस वीडियो का पूरा प्रूफ देखना है तो आप अरुण शर्मा का चैनल टू ब्रदर व्लॉग्स चेक कर सकते हैं, उसमें उसके पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है उसके पापा मम्मी के साथ, एंड उसके अरुण शर्मा के पापा ने गौरव जोन से भी बात की थी, तो आप वो पूरा चेक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं टू ब्रदर व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल, उस पर आपको सब प्रूफ मिल जाएगा। एंड अभी जो हमें रिप्लाई का वेट है वो है गौरव जोन की तरफ से कि वो अपनी सफाई में क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियोज़ क्या होने वाली है।